चीन के बाद अब म्यांमार ने भारतीय सीमा में अतिक्रमण करने की कोशिश की है। खबर के अनुसार म्यांमार ने भारतीय सीमा के करीब 3 किलोमीटर भीतर घुसकर पिलर गाड़ दिए हैं। तस्वीरों में दिख रहा है ये वही पिलर है जिसकी वजह से भारत और म्यांमार के बीच तनाव बना हुआ है। म्यांमार सीमा को बताने वाला ये पिलर मणिपुर सीमा के अंदर लगाया गया है। बताया जा रहा है कि मणिपुर के टेक्नोपाल जिले के क्वाथा में इस पिलर का निर्माण किया गया है। मामले की जांच के लिए मणिपुर सरकार ने शुक्रवार को एक टीम गठित की है। मणिपुर के राजस्व मंत्री करम श्याम के नेतृत्व में एक टीम ने विवादित इलाके का दौरा किया। ये ब्रह्मेश आर्मी को यहाँ तक आके उधर तक जाके उसको बंद करना, हमारी जिम्मेदारी। ये वे लोग की भी जान दे सकता है, हम लोग को भी जान दे सकता है ना, प्रॉब्लम आएगा ना। बिल्कुल, उनको हम उनके साथ बातचीत भी करते हैं और उनके साथ यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर के सैंक्टिटी को रिस्पेक्ट करने के लिए उन्होंने भी एश्योर किया, हमने भी एश्योर किया और हम बीच में पेट्रोलिंग भी करते हैं यहाँ आने की। उसकी आने की तो बात यहाँ नहीं की उन्होंने, ये बात तो आई नहीं है, तो ना आए हैं। और हम कुछ दिन के पहले हम लोग का सोशल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आके ब्रह्मेश बॉर्डर ब्रह्मेश आर्मी भी यहाँ खड़ा होके ये बहुत फोटो खींचा है। ये ठीक नहीं है, ये थोड़ा कंट्रोल में रखना है ये ब्रह्मेश का। हम लोग कभी आदमी तो आके उसको थोड़ा डिस्प्यूट हो रहा है ना, ये हवा चल रहा है अभी, कोई लोग आके अंदर में जाके ये सब प्रॉब्लम बना रहा है। उसको थोड़ा कंट्रोल करना, अपने जगह में रहना। अभी इशू हो गया ना, एक्चुअली सब मीडिया में सब कुछ निकाला है, बॉर्डर पिलर रिसेंटली डायरेक्ट। कमेटी ने इलाके का दौरा करने के बाद इम्फाल लौटकर मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस पूरे विवाद पर मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह का कहना है कि विवादित इलाके का म्यांमार और भारतीय टीमों द्वारा सर्वे किया गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों में रजाबंदी बनी थी। हालांकि अभी तक दोनों देशों के बीच बॉर्डर तय नहीं किया गया है। टेक्नोपाल जिले में विवादित पिलर मामले की जांच की जा रही है। दूसरी ओर शुक्रवार को कांग्रेस के 6 विधायकों की एक टीम ने विवादित स्थल का दौरा किया है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि वो म्यांमार द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण के खिलाफ जनता के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।